हेलो दोस्तों, मैं मनोज दास ओडियन इलेक्ट्रिकल में फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए फिर एक नया वीडियो ले आए हैं। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो में आने वाली नॉलेजेबल बातें और जिसको भी ज़रूरत पड़े इस चैनल पर जाके वो वीडियो देख सके। आज हम लोग बात करेंगे एक सिंगल जोन एम्पलीफायर, जिसे आप किस प्रकार यूज़ करते हैं इस बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। ज़्यादातर लोग सिंगल जोन एम्पलीफायर कहीं शादी ब्याह या कहीं कल्चर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, जिसमें आपको दो बॉक्स यूज़ करते हैं और साथ में दो ड्राइवर यूनिट हॉर्न के साथ यूज़ करते हैं, जो कि लगभग 50 वाट का होता है, जिसके चलते एम्पलीफायर में क्या प्रॉब्लम आता है चलिए देख लेते हैं। एम्पलीफायर में बॉक्स या हॉर्न चलाने के लिए एम्पलीफायर में एक सिलेक्टर स्विच दिया गया है। अगर आप बॉक्स मोड में यूज़ कीजिएगा तो बॉक्स यूज़ कीजिए, अगर हॉर्न मोड में करना है तो हॉर्न चला सकते हैं। अगर आप बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो सिलेक्टर स्विच को बॉक्स मोड में देके बेस और ट्रेबल को बढ़ाइएगा, जिससे बॉक्स में तो काफ़ी अच्छा सा आवाज़ आएगा, जिससे लो फ्रिक्वेंसी आपको बॉक्स में जाता है। लेकिन अगर वही लो फ्रिक्वेंसी आपको ड्राइवर यूनिट में गया, जिसके चलते ड्राइवर यूनिट का बार बार डायफ्राम कटेगा, जिससे कि आपका हॉर्न बार बार प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपके पास एक साउंड बॉक्स है जिसमें 100 वाट 16 ओम के दो स्पीकर लगे हैं, तो दोनों का कैलकुलेशन 8 ओम होगा। इसी प्रकार आपके पास दो बॉक्स है जिसका वाटेज हो जाएगा 400 वाट 4 ओम पे होगा। अगर आप ड्राइवर यूनिट यूज़ करते हैं, कोई भी कंपनी का ड्राइवर यूनिट हो, अगर 50 वाट 16 ओम का है, अगर दो यूनिट को अगर हम लोग पैरेलल यूज़ करेंगे तो उसका कैलकुलेशन में वो 8 ओम पर ही आएगा। अभी आप देख लेते हैं, अगर एम्पलीफायर में आपको यूज़ करना है तो दो बॉक्स आपका 400 वाट हो जाएगा 4 ओम पर, अगर दो ड्राइवर यूनिट चलाना है जो कि 100 वाट पर 8 ओम पे होगा। अभी हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। दो बॉक्स 400 वाट 4 ओम का होगा और दो ड्राइवर यूनिट 100 वाट 8 ओम का होगा। 4 प्लस 8 जोड़ने से 2.6 होगा, जो कि कोई एम्पलीफायर में सूटेबल नहीं है, और ये एम्पलीफायर काफ़ी हीट होगा और एम्पलीफायर में प्रॉब्लम आ सकता है। ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि हमारा एम्पलीफायर काफ़ी गर्म होता है, इसके चलते हम क्या करेंगे, और बहुत कोई फ़ोन में भी हमें बातचीत करते हैं कि एम्पलीफायर गर्म होने का क्या प्रॉब्लम है, हम किस प्रकार एम्पलीफायर को यूज़ करें ताकि हमारा एम्पलीफायर गर्म नहीं हो। आप देख सकते हैं एम्पलीफायर का बैक लुक में एक कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट टर्मिनल दिया गया है, और दूसरे और दिया गया है कॉमन 4 ओम 8 ओम का टर्मिनल दिया गया है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 4 ओम या 8 ओम में एक बॉक्स का यूज़ करते हैं और 70-100 वोल्ट में एक हॉर्न का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉमन 4 ओम 8 ओम का यूज़ करते हैं एक बॉक्स यूज़ करने के लिए, और वही बॉक्स को आपको पैरेलल में एक हॉर्न का यूज़ करते हैं, जिसमें हॉर्न में लगभग ड्राइवर यूनिट 50 या 60 वाट का रहता है। अगर बॉक्स में लो फ्रिक्वेंसी बचता है तो वही लो फ्रिक्वेंसी आपका ड्राइवर यूनिट में जाता है, जिसके चलते लो फ्रिक्वेंसी के चलते ड्राइवर यूनिट का बार बार डायफ्राम कट जाता है और इससे हॉर्न में बार बार प्रॉब्लम आता है। अगर आप बॉक्स चलाना चाहते हैं तो कॉमन या 4 ओम का यूज़ कीजिए, जिससे आप सिंगल बॉक्स भी चला सकते हैं या दो बॉक्स चला सकते हैं, ये एक आपका सही तरीका है। अगर आप ड्राइवर यूनिट चलाना चाहते हैं एम्पलीफायर पर, तो उसके चलते आप अगर कॉमन 4 ओम का यूज़ कीजिए या फिर कॉमन या 8 ओम का यूज़ कीजिए, आप जितना ड्राइवर यूनिट चलाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप पैरेलल या सीरीज कनेक्शन में आप 4 ओम या 8 ओम का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगर आप LMT यूनिट चलाना चाहते हैं तो उसमें आप कॉमन 70 वोल्ट या 100 वोल्ट यूज़ कीजिए, जिससे कि आपका LMT यूनिट आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं भी एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर का साउंड आउटपुट लेवल इंडिकेटर पर ध्यान दीजिए। अगर आपका एम्पलीफायर में प्लस 3 dB रेड इंडिकेटर में एम्पलीफायर चल रहा है, जिससे आपका एम्पलीफायर भी काफ़ी हीट होगा और उसमें आपका स्पीकर या फिर आपका ड्राइवर यूनिट जलने का चांस रहता है और एम्पलीफायर भी काफ़ी हीट होगा, आप कोशिश कीजिए एम्पलीफायर आपका 0 dB जो कि ग्रीन लाइट है, इसमें आपका अगर आउटपुट लेवल सही रहेगा, जिससे साउंड भी आपका क्लीन और साफ़ सुथरा आएगा और इसमें एम्पलीफायर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ना आपका ड्राइवर यूनिट कटेगा ना आपका बॉक्स का स्पीकर कटेगा, इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके लिए सबसे बेहतर है आप सिंगल जोन एम्पलीफायर को ना यूज़ करके टू जोन एम्पलीफायर यूज़ कीजिए। सिंगल जोन एम्पलीफायर में आप एक ही साइड में दोनों का आउटपुट देंगे, लेकिन टू जोन में आप दो तरफ लोड देकर आराम से बजा सकते हैं।
आप सिंगल जोन के एम्पलीफायर में आप अगर सोचेंगे एक एम्पलीफायर में हम बॉक्स लोड देंगे और दूसरे एम्पलीफायर में आपका ड्राइवर नोट देंगे, इसके चलते आपको दो एम्पलीफायर कैरी करना पड़ेगा जिसमें आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके चलते आप टू जोन एम्पलीफायर ले सकते हैं। टू जोन एम्पलीफायर में एक जोन में आप बॉक्स का लोड दे सकते हैं और दूसरे जोन में आप हॉर्न का लोड दे सकते हैं जिसे कैरी करने में भी ईजी रहता है आपके लिए। अगर आपके पास टू जोन एम्पलीफायर है तो आप एक जोन में आप ड्राइवर यूनिट आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चार यूनिट है या छः यूनिट है तो आप 4 ओम चाहे 8 ओम का यूज़ करके कॉमन या सीरीज में आप आराम से ड्राइवर यूनिट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास LMT यूनिट है तो उसमें आप 70 वोल्ट या 100 वोल्ट का यूज़ करके आप LMT यूनिट को आराम से चला सकते हैं। दूसरे जोन में आप जो है आराम से बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। आप सिंगल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं या दो बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमन 4 ओम या 8 ओम का यूज़ करके आप बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार आपका एक जोन में दो बॉक्स या एक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं और दूसरे जोन में LMT यूनिट के साथ आप अगर हॉर्न यूज़ करना चाहते हैं तो 4 या 6 आराम से आप हॉर्न यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका एम्पलीफायर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एम्पलीफायर ठीक ठाक चलेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।